दोस्तों ये अपना पार्ट 6 और मैं यहाँ आपको जा रहा हूँ बताने कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं सीपीए फनल फॉर यूर ऑफर्स। यस गाइस, ये वो वीडियो है जहाँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके पैसों का जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे इन सीपीए मार्केटिंग, बिकॉज जो फनल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट गेन करना है इन सीपीए मार्केटिंग, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ सीपीए फनल। लेट्स गो। सो माय नेम इज स्टीयर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखो, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऑफर सेलेक्ट करने में और अप्रूवल लेने में अलग अलग नेटवर्क से बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा गाइज, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताता हूँ और उस चीज पे आप ज्यादा से ज्यादा समय दो, बिकॉज वही दो चीजें हैं जो आपको कन्वर्जन देती हैं। तो सबसे पहली जो चीज है गाइज वो है आपका एड। आप एड जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ। बिलीव मी, ये एड ही है जो आप अपने कस्टमर को शो करते हो और आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आपके जो दूसरी चीज है उस पे जाता है, दैट इज कॉल्ड फनल और लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं गाइज, ये दो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्रिएट करनी है और प्लस इसमें ही आपको सारा समय देना है, ना किसी ऑफर में, ना किसी अप्रूवल में और ना जो फालतू की चीजें हैं उसमें। आपको सिर्फ जो आपका ज्यादा समय है, ज्यादा से ज्यादा समय, सबसे पहले समय अपने एड पे दो और उसके बाद अपने लैंडिंग पेज, बिकॉज यही वो दो चीजें हैं जो आपका कस्टमर देखता है और बिलीव मी यही वो चीजें हैं जिससे आप पैसे अर्न करते हो। तो प्लीज गाइज, प्लीज मैं आप लोगों को ये चीज बहुत हार्डली सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों पे ही ज्यादा ध्यान दो। अब गाइज जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा फनल। आज जो आपको बताने वाला हूं मैं सीपीए मार्केटिंग फनल्स, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको कल मैंने जो वीडियो में बताया था दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज, बस एक लैंडिंग पेज के बारे में बताया था। आज मैं आपको पूरा फनल बताता हूँ जो पूरा प्रोसेस है जैसे कैसे काम करता है और इससे आप काफी अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे $1500 जो हमारा कोर्स का नाम है, इवन आप हर महीने $1500 उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो, बट मैंने एक सेट किया है गोल, कम से कम आप $1500 तक निकाल पाओ, बिकॉज मेरी भी उतनी ही कैपेसिटी है तो मैं उससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता सीपीए मार्केटिंग में। तो वहां तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो फनल है वो $1500 निकालने के लिए काफी अच्छा खासा है और लॉन्ग टर्म गेम के लिए भी काफी अच्छा खासा है। तो यहाँ मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फनल कैसे है और कैसे काम करता है। सो गाइस, फनल फॉर सीपीए मार्केटिंग, सबसे पहले होता है आपका एड जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, एड और फिर उसके बाद आपका लैंडिंग पेज और यहां से ही स्टार्ट होता है आपका फनल, लैंडिंग पेज। और इसका क्या फायदा होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, जो कल हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाया था वो ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। देन फनल में क्या चीज आती है, देन फनल में आता है एक और क्वेश्चन। ओके, लाइक यहां पर आप बोल रहे हो बाय शेयर विथ 60% ऑफ प्राइस फॉर टुडे। ठीक है, तो इसको ही हम लोग लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पर होम दिख रहा होगा, ठीक है, होम के नीचे एक प्लस का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, डेफिनेट में क्लिक करना है और डेफिनेट में क्लिक करने के बाद ऐड पेजेस में क्लिक करना है। ऐड पेजेस में क्लिक करने के बाद बस सिंपली एक पेज को ऐड कर देना है। ठीक है, ऑप्टिन पेज हो या सेल्स फनल हो, आप कुछ भी ले सकते हो। आप सेल्स फनल का ऑप्शन लो एंड यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो ये शो नहीं कर रहा है, मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइज, लैंडिंग पेज के बाद मैंने जो सेल्स फनल है उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद मैंने एक पेज ऐड किया जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेल्स फनल के नाम से। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने ऐड किया है क्लिक पॉपअप, तो जैसे ही इस बंदा यस या नो करेगा वो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना ये है कि जैसे वहां पर आप 60% ऑफ दे रहे थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हमारा एक और स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ हम 70% ऑफ दे रहे हैं आपको।
ठीक है। सो बस यहाँ पर आपको एक ईमेल डालना है और लिखना है गेट नाउ क्लेम योर स्पॉट या गेट नाउ या जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जितना ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं वो चीज आपको फायदा देगी। तो जैसे ही बंदा क्लिक करेगा वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर दो पेजेस है जो मैं आपको सामने दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेथड मैं यूज करता हूँ काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, आप उसी ऑफर का मतलब जो आपने ऑफर सेलेक्ट किया है अगर वो ऑस्ट्रेलिया का है तो सेम आप ऐसे ही मिलता जुलता दो या तीन ऑफर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक दो एंड तीन मतलब सेम ही होना चाहिए। अगर वो वुड कटर का ऑफर है तो वैसे ही लकड़ी से ही रिलेटेड तीन ऑफर होने चाहिए। अब वो जो तीसरा पेज है जो बंदा जाएगा ईमेल ऑप्टेन करने के बाद, अपना ईमेल ऑप्टेन करेगा और क्लेम माई स्पॉट्स पे क्लिक करेगा या बाय नाउ पे क्लिक करेगा या हरी अप पे क्लिक करेगा, जो भी आपका कॉल टू एक्शन होगा उस पर क्लिक करेगा तो वो बंदा यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये जो पहला पेज है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तीन चीजें तीन ऑफर अलग अलग डायमेंशन में रख सकते हो लाइक दैट, कि तीन बटन आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। और सेम रिलेटेड ऑफर्स रहेंगे, सब थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेंगे, बाकी सब सेम ही ऑफर्स रहेंगे और सेम कंट्री के रहेंगे बिकॉज आप एड से टारगेट कर रहे हो किसी एक कंट्री को, ठीक है। सो अगर आप ये तीन बटन बना देते हो, तीनों में उसका अलग अलग ऑफर्स डाल देते हो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, एक ही तीर से तीन निशाने हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, तीनों में एक में लिखना है आपको इतना परसेंट ऑफ और एक में इतना परसेंट ऑफ और एक में इतना परसेंट ऑफ। मैं परसेंट ऑफ का सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं सिर्फ एक परसेंट ऑफ का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप कुछ भी लिख सकते हो कि इतना परसेंट ऑफ प्लस ये गिव अवे प्लस ये प्लस वो प्लस ये प्लस वो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपको सेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ईमेल ऑप्टिन चाहिए और ईमेल ऑप्टिन बंदा बहुत ज़्यादा इजी कर सकता है। जैसे ही वो आपके लैंडिंग पेज के बाद आपके ऑफर तक पहुंच जाएगा तो 100% वो किसी ना किसी में अपना ईमेल ऑप्टिन करेगा। तो तीनों में भी कर सकता है अगर आपने अच्छा खासा उसको ऑफर दिया है, डिपेंड करता है आपके ऑफर पर कि आप उसको कैसा ऑफर दे रहे हैं। पहली चीज़ ये है सेल्स फनल में, ठीक है, कि आप तीन चीज़ को ही कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और क्या होता है कई कई केस में ये फ्लॉप भी हो जाता है बिकॉज इसके कुछ कंडीशंस हैं, तो आप इसको थोड़ा केयरफुली अपना दिमाग लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कई बार इसको यूज किया है, कई बार फ्लॉप हो गया है बट कई बार अच्छा खासा काम भी किया है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है मैंने जो यहाँ पर ऑब्लिक डाल के रखा है कि एक और लैंडिंग पेज, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधा अपना ऑफर भी शो कर सकते हो। अब बीच में आपने ये जो तीन चीजें लगाई है यहाँ पर पूरा सेल्स फनल क्रिएट किया है, तो इसका फायदा क्या है, देखो सबसे पहले तो बंदा आएगा यहाँ पर जो आपका ईमेल ऑप्टेन करके देते जा रहा है, जैसे कि आप ईमेल जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने अपने मेलिंग बॉक्स में अपने जो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है आपको उसमें कलेक्ट करते जा रहे हो। तो अब आपके पास एक नेशन का मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया में आप प्रमोट कर रहे हो तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ईमेल्स कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो अब मान लो आपके पास 1,000 2,000 3,000 ईमेल कलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में क्या होता है, सेल्स फनल का फायदा ये होता है कि बाद में आपको कोई अच्छा मतलब हायर रेट का अपसेलिंग करनी है, काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ उससे एफिलिएट कमीशन गेन करना है, तो आप ये हज़ार लोगों को अपने ईमेल से मैसेज भेज सकते हो बिकॉज आप जानते हो कि ये एक्टिव मेंबर हैं प्लस इन्होंने पहले भी आपको ऑप्टिन करके पैसे दे चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपके यूजेबल कस्टमर्स हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हो बार बार बिना एड स्पेंड किए। तो ये एक फ़ायदा होता है सेल्स फनल का, प्लस आप इसमें बहुत सारे अलग अलग फायदे निकाल सकते हो बिकॉज सेल्स फनल में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। और एक आध चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो एक चीज़ और ये है कि लोग क्या करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग ना डायरेक्ट ही पॉपअप यूज कर देते हैं, लाइक यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उनका एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये चीज़ बताया कि ये जो हम लोग सेकंड पेज में लगाए हैं कि आपका जो कस्टमर है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके सेकंड पेज पे, बट कुछ लोग क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही इस पॉपअप का यूज़ कर देते हैं, जैसे यस या नो पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये पॉपअप वहाँ पर खुल जाएगा और बंदा ईमेल सबमिट करेगा और नेक्स्ट में चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको तरीके बता देता हूँ, डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हो, डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी पे, डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटजी पे कि आप कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हो और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है। बिकॉज ये जो
पूरा गेम है सीपीए का वो टेस्टिंग का है, मैं बार बार बता चुका हूँ, और बिलीव मी जितना ज्यादा टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो वहां पर आप डायरेक्ट भी पॉपर लगा सकते हो, और एक और चीज जो लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट लोग क्वेश्चन भी नहीं करते हैं और जो पॉपअप है वो ही डायरेक्ट लगा देते हैं सामने में, लाइक ये चीज यहाँ पर रहेगी भी नहीं और वो लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ये जो पॉपअप है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो डायरेक्ट रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा नहीं, सीधा ये पॉपअप ही रहेगा और वहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो प्लीज गो अहेड, ठीक है। तो जैसे ही बंदा अपना ईमेल सबमिट करेगा और क्लिक करेगा गो अहेड पे वो नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा, फिर वहां पर वो लोग ये जाके ये जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो इसको आगे भी कोई लोग लगाते हैं, कोई लोग पीछे भी लगाते हैं, दोनों ही काम करता है अलग अलग केसेस में और डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या काम करता है और आप किस मेथड पे ज्यादा बिलीव करते हो। तो जितने भी जो दो तीन मेथड है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, आप डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा यूज करते हो, आपके लिए कौन सा यूजफुल होता है और प्लस आप कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हो एक फनल तैयार करने में, कितना अच्छा एक स्ट्रेटजी बनाते हो एक फनल तैयार करने में, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। और आप जैसा क्रिएट करोगे वैसा आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है ये पूरा गेम टेस्टिंग का है, तो टेस्ट करते रहो कि कौन सी चीज आपके लिए काम करती है कौन सी चीज आपके लिए काम नहीं करती है। और ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे मैं यूज करता हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और 100% हर मेथड काम करता है अलग अलग केसेस में। और अब आपको ये सारी चीजें को बनाना है, इसका यूज करना है, इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है बिल्डर का, या आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, जहां मैं आपको अच्छे से और डिटेल भी बता सकता हूं, और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर मुझे पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, नहीं अच्छी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करके जाएं, और अगर आपको कुछ अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है इस चैनल से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहूं। तो सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।